एक मेरी रचना व्हाट्सएप रही है जिसका आदेश भी हुआ कि उसी को पढ़ना है मुझे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज। भौजाई का नाम आते कितना अच्छा लगता है। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन को साइन बाग गई थी, वो पाक की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा। इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण। वाह 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 वाह। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, संभव नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, भैया ये बताइए आप हिंदी पढ़ी हुई हैं, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी, इससे क्या समझती हैं? तो कह रही हैं इसमें 4 जगह आप हैं, 1 जगह हम हैं। बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज ओसामा का साला है, वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जीके। ए भैया मुहा का ढके, ऐसा कौन काम करके आए? अच्छा ठीक ठीक है। हरा हरा महादेव, स्वागत। पढ़िए गुरु पढ़िए। वो भी अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश किए थे, वो प्राइमरी एसएससी भर्ती वाला जीके, वो दक्षिण दिशा की ओर देखना चीके, वो मोदी और केजरीवाल में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण। आपको मैं ले चलता हूँ द्वापर युग में, अगर द्वापर में होता तो क्या होता, द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, शिशुपाल और शकुनि का ये सजीव उदाहरण होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा कुछ वैसे ही होते जैसे बीच में बैठे हैं, वो कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। वाह 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 वाह। और खबरें कैसी फैलती भैया, कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए धंधा है, और कर्ण अछूत है भैया, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। क्या बात, एकलव ने द्रोण का फोन ओएलएक्स से लिया है, क्या बात है, फ्लिपकार्ट से खरीद कर कौरव ने ड्रेस पहनी है, वो कुरुक्षेत्र की वीवो से संजय को पिक लेनी है, उस युग में भी इसका असर असाधारण होता, व्हाट्सएप ही महाभारत का कारण होता। अंतिम 2 पंक्तियां हैं, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया। गुरु जी से मैं सिर्फ 2 मिनट और चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। टाइम ना हो। देखा राम राज आगल हो, एक रचना हमारा राम पे हो, उन्हें की कृपा से लिख पावत ही तो आपके सामने रखा था। स्वागत है, पढ़िए, स्वागत है, स्वागत है। कोरोना के बाद, हाँ भैया और कुछ रखे लायक? नहीं नहीं नहीं, स्वागत। कोरोना के बाद भैया हम लोग बहुत दिन बाद यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और ये मेला जो है एक सेतु का काम कर रहा है, मेरी एक रचना राम पे है, उसके पहले आप लोग से एक बार नारा लगाना चाहूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है। राम दिनकर भी है, राम ही दिन दिखे। वाह। राम दिनकर भी है, राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी है, राम प्रश्न दिखे, भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले, नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर, राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे, हनुमान मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के, हनुमान बोलते हैं हे प्रभु आप अपने विचारों को सही मोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दें। हर महादेव, यहां तक सुने हैं?
इसके आगे भी सुनो, हर महादेव। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था, राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे रावण लिखा और लगे फेंकने, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से, यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष जा वो प्रश्न करने लगी, मंदोदरी बोलती है हे प्राणनाथ, आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे, रावण बोलते हैं हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पत्थरों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता। राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मत, राम सेतु बने वनवास और राज मत, आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है शिक्षा मकरंद है, कोरोना मारीच है महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और वॉरियर शेषनाग बन उठाए सबका भार है, और जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा वही पवन पुत्र अवतार है, और राम साधना भी है राम ही साध है, और जो अयोध्या में दिख रहा वही राम राज है।